जय श्री राम। दोस्तों आज हमारे साथ है भाभा जी। जी जब भी ये दिल्ली विजिट करते हैं तो हमारे बीच में ना एक डिस्कशन हमेशा ये होता है कि चलो कब टाइम निकाल के हम एक वीडियो शूट कर सकते हैं एस्ट्रो लाइफ सूत्र और एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी के व्यूवर्स के। आज भी इसी पर्पस से हम यहाँ आए हैं और सोचा आप लोगों से बात भी की जाए और हमारे भी जो डिस्कशन होता है ज्योतिष को लेकर उसके बारे में आपको बताया। तो भाभा जी भाई नमस्कार, दिल्ली में आपका स्वागत है। नमस्कार, पहले से कर रखा है। मैं भी जब डिसाइड हुआ आ रहा हूँ दिल्ली तो सबसे पहले नितिन जी को खबर किया और अमन दीदी जी है उनके फादर को भी खबर किया है मैंने, तो उनके वहाँ ही ठहरा हूँ। फिर हमारे पुराने मणिदीप जी है उनको भी खबर किया, तो इन लोगों से तो मिलना ही है, इन लोगों से ना मिले तो कैसे होगा। दिल्ली विजिट इज़ नॉट कम्प्लीट, लगता ऐसा लगता है कि पूरी नहीं हुई, कुछ रह गया ऐसा लगता है। तो आज हम जब ये जगह इतनी सुंदर जगह ये लेके आए हैं तो मैं गाड़ी में ऐसे ही हम बातें कर रहे थे नक्षत्र के ऊपर, नक्षत्रों का कैसे अध्ययन करें, कैसे उनको ना अपने जीवन के आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको हम कैसे समझे, क्योंकि नक्षत्र ऐसा चीज़ है जो मैंने देखा है अपने अनुभव में कि आप उसको किताबों में पढ़ के या किसी, ठीक है हमारे शिक्षक गुरु तो है ही, वो तो है ही सिखाने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं हमें, लेकिन एक लेवल के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मतलब ऐसा कोई किताबी चीज़ नहीं है, किताब में लिखा हुआ है जैसा अश्विनी नक्षत्र में ये होता है, ये मेरे सामने हो रहा है, ये घटना हो रही है मेरे सामने, ये लाइव हो रहा है। इनफैक्ट अभी जैसा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये विशाखा नक्षत्र चल रहा है, तो यहाँ पे भी मतलब आपको बस देखने की देर है, विशाखा नक्षत्र के जो थीम्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे। शायद मैं आप लोगों से भी जानने को इच्छुक हूँ, ये जो वातावरण आपको दिख रहा है इसमें आपको विशाखा नक्षत्र के कौन से ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं, कैसा व्यवहार आपको दिख रहा है। क्या हम तो सुबह से बहुत अनुभव कर चुके हैं विशाखा नक्षत्र के बारे में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या अनुभव किया है। तो इसलिए मैं वो डिस्कस कर रहा था इनके साथ कि जैसे मान लीजिए आपको नक्षत्र के कुछ बेसिक चीज़ें मालूम है, या जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी में क्या होता है, जैसे कोई एक नया चीज़ शुरू होता है या हमेशा दो लोग आएंगे, जो अश्विनी कुमारों का कहानी है जैसा हम जानते हैं पुराणों से, तो आप ये नोट करिएगा कि उस दिन जब अश्विनी चल रहा है आपके साथ ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब आप भी वो जो पुरानी कथा है आपको ऐसा लगता है कि मैं भी उसमें एक पात्र बन गया, मेरे साथ भी वैसा हो रहा है ना, मतलब खाली ऐसा ऊपरी तौर से नहीं, दो लोग आए ऐसा हो रहा है, वो दो लोग अगर आते भी है तो क्या बात कर रहे हैं। जैसा अभी अश्विनी नक्षत्र जब चला था, मैं गुवाहाटी में था तो वहाँ पर मैंने नितिन जी से बात अभी शेयर किया कि वो जो सुकन्या और चावन ऋषि का जो कहानी है वो एक्चुअली में हो रहा था मैं जहाँ पे था। तो ऐसा है मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरे आसपास के लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे जो भी है आपके घर में, वो लोग भी भले ही उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो, भले ही उनको कुछ मालूम नहीं है क्या नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र होता भी है या क्यों मैं देखूँ, बट आप ये देखेंगे ना बिना जाने भी वो लोग वैसा बिहेव करेंगे। और मैंने ये भी देखा है कि मान लीजिए आप कोई डेट फिक्स करते हैं, मान लीजिए आज आप डेट फिक्स करते हैं कि मैं 20 फरवरी को कुछ करूँगा, नहीं तो आप ये देखिएगा कि जब आप फिक्स कर दिए ना, अभी शायद आप ऐसे ही फिक्स कर रैंडमली कर दिए, रैंडमली कुछ सोच समझ के बिना आपने फिक्स कर दिया, चलो जैसे 20 फरवरी को शनिवार है, ठीक है तो हम शनिवार को मिलते हैं, हॉलीडे है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप जब पंचांग खोल के देखेंगे 20 फरवरी को रोहिणी नक्षत्र है जैसा सुबह, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो जो प्रोग्राम होगा ना उसके नक्षत्र के आसपास का कुछ तो रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये आपने बिना जाने किया, ये अनकॉन्शियसली किया, कितने एस्ट्रोलॉजर्स भी बोलते हैं कि
हाँ हम कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो वो बातें ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, मतलब ये आप जरूर देखेंगे। तो मेरे को और भी बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन हम थोड़ा एक्सपर्ट से सुनते हैं। अरे अरे एक्सपर्ट से सुनते नहीं, यही जो डिस्कशन भाभा जी जी कह रहे हैं अभी गाड़ी में हो रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में नक्षत्र के फल को फलीभूत होते देखा। जैसे अभी बताया करने लगे कि अश्विनी नक्षत्र के दिन मैं कहीं यू नो कॉफ़ी शॉप में बैठा था, और वहाँ का जो आसपास की सराउंडिंग थी उसमें कैसे अश्विनी के रूप में हो रहा था कि कपल वहाँ पे था, और इस तरह की घटना देखने को मिल रही थी, तो वो चीज़ वो उन्होंने मुझसे शेयर की। इसके साथ साथ ये एक मेथड भी बता रहे थे आप, वो एक्सेल शीट वाला, वो थोड़ा समझाइएगा क्या कह रहे थे आप। हाँ मैं कह रहा था कि अगर आप नक्षत्र के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ये अगर आपको बेसिक नॉलेज है नक्षत्र का, जैसे 27 हमारे नक्षत्र हो गए, अभिजीत को भी ले सकते हैं आप, तो उस पर क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपके पास लैपटॉप होगा तो उसको खोलिए, वो MS Excel जो है वो फाइल खोलिए आप, उसके बाद आप जो भी नक्षत्र है ना वो रोज में लिखिए वैसे करके, जैसे अश्विनी नक्षत्र हो गया, फिर भरणी, फिर ऐसे ऐसे हो गया आपका, रेवती नक्षत्र तक लिखे, तो ऐसे रोज बनाइए आप 27, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा ना उसमें आप ऐसे करिए week 1, week 2, week 3, तो जैसे मान लीजिए आज अश्विनी है तो week 1 में क्या एक्टिव हुआ है आपके लाइफ में, रात को आप वो एक्सेल शीट में भरिए कि ओ अच्छा आज अश्विनी नक्षत्र के ये ट्रेड्स है लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ राइट। तो ऐसे आप 10 हफ्तों तक करिए, week 1 से लेके week 10 तक, जब तक आप ऐसे करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र तो है बहुत 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 सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लाइफ में उस नक्षत्र के कौन कौन से ट्रेड्स इम्पोर्टेंट है, या वो हर हफ्ते में कौन कौन से ट्रेड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं कि जैसा कोई नक्षत्र आपके किसी दुस्थान घर में पड़ता है, जैसे 6, 8, 12 में राइट, और अगर आप देखते हैं कि उन दिनों जब वो चंद्रमा का गोचर हो रहा है बार बार कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप नहीं चाहते हो कि हो, तो आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा नक्षत्र फिर से पंचांग में तो मैं ये वाला काम नहीं करूँगा, या अगर आप देखते हैं कि ये वाला चीज़ मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, हर बार हर 10 हफ्ते में मान लीजिए 4 बार 5 बार 6 बार ऐसे ऐसे आया है तो मैं ये काम और करूँगा और ये काम अच्छे से करूँगा, तो ऐसे आप थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे लाइफ में कौन कौन से ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कोई भी नक्षत्र हो गया, जैसा रोहिणी नक्षत्र हो गया, उसके हजारों पहलू है अब, लेकिन आपके लाइफ में कौन सा होगा, आपके लाइफ में क्या होगा, ये तो कोई ज्योतिषी तो पूरा 100% नहीं बता सकते, ना तो किताब पढ़ के जान सकते हैं, तो ऐसे आपको आइडिया लग सकता है कि मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है। और ये मतलब कि आजकल क्या कहते हैं ना, कस्टमाइजेशन का जमाना है, हाँ, तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये वो आपको पता चल सकता है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप वैसे कर सकते हैं, आप अपने किताब में भी अपने कोई भी आप कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं कि आज अश्विनी था, आज ऐसा हुआ, कल भरणी में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हाँ यही सब हम डिस्कस कर रहे थे, आप भी कुछ बताइए। मेरा व्यू जैसे अभी बाबा जी जी ने कहा, इससे पहले तक ये था कि नेटिव का अपना मून का नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली वो हम सब जानते ही हैं, हम पढ़ते हैं उसके बारे में, और डेली ट्रांजिट को नक्षत्रों के आधार पर कैसे देखना चाहिए वो भी एक तरीका होता है कि कौन सी तारा में चल रहा है, वो तारा मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं। फिर एक सर्वतोभद्र चक्र करके एक मेथड होता है जिसमें ये पता लगता है कि आज के नक्षत्र का कौन वेद कर रहा है कौन नहीं। लेकिन जब मैं भाभा जी जी से बात कर रहा था और इन्होंने कहा कि उस नक्षत्र के ट्रेड को ज़िंदगी में डेली होते हुए देखिए कि किस तरह से वो काम कर रहा है, एक तरह से अपने रिकॉर्ड बनाना कि जिसमें मैंने देखा कि अच्छा अश्विनी नक्षत्र वाले दिन ऐसा कौन सा काम हुआ जो अश्विनी से कनेक्टेड है, और अगर हमने 2-3 हफ्ते उस चीज़ को फॉलो किया तो हमें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये नक्षत्र मेरे लिए क्या लेकर आता है। एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि जैसे 6, 8, 12 भाव में अगर वो नक्षत्र पड़ता है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा, वो मेरे लिए क्या नेगेटिविटी लेकर आया, और मैं उसको कैसे डाइल्यूट कर सकता हूँ, कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, क्योंकि नो वन कैन यू नो चेंज द रिजल्ट ऑफ नक्षत्र, कि आप बदल दोगे वो तो नहीं पॉसिबल है जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन कम से कम उसको मिनिमाइज कर सके, हमें अंदाज़ा हो, हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि ये इसको इस तरह देखना चाहिए, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बट उसके लिए मुझे लगता है बाबा जी भाई पहले तो 27 नक्षत्रों के गुणधर्म में आना जरूरी है ना, क्योंकि अगर हमें वही नहीं पता तो फिर हम इसको कैसे देख सकते। हाँ तो मैं तो वही कहता हूँ जैसे मैंने पहले बोला, जैसे 27 हमारे नक्षत्र है उसमें कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, वरना आप सोचेंगे ठीक है आज सातवीं सात चल रहा है, मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरे फादर ने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, कुछ समझ भी नहीं आएगा आपको। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हर नक्षत्र जो है उसके 5 मेन ट्रेट्स जो हो गए ना, उनको आप एक नोट पैड में आप अपने से नोट करिए, ठीक है, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आज इन 5 में से मेरे लाइफ में कौन सा हुआ। या तो ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा आप नोट करें, लेकिन बाद में जब आप उस नक्षत्र को और डिटेल में स्टडी करें आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ उस दिन हुआ था, तो ये मुझे पहले पता नहीं था। बिल्कुल हाँ, तो ये मतलब ऐसा है, देखिए आपके आसपास जो नक्षत्र चल रहे हैं वो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ चल रहा है ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है। मतलब आपको स्टडी करना है तो सबसे आसान तरीका है अपने लाइफ में देखिए आपके आसपास के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, सबसे बढ़िया क्यू आपको मिलेगा। और ये लोगों तक ही सीमित मत रखिए, कोई भी आपका मोबाइल है जैसे right. जैसे आर्द्रा नक्षत्र चलता है तो दिखा जाता है कि किसी का मोबाइल खराब हो गया या लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कल भी मैं कहीं डिनर पे गया था तो वो भी मुझे बता रहे थे कि क्लासेस में हमेशा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन क्लासेस में जब आर्द्रा नक्षत्र चलता है ना। तो ऐसे आप देखिए मतलब आपके आसपास हो रहा है, जैसे नेचर में क्या हो रहा है ना, हमारे प्रकृति में भूमि देवी हमें क्या संकेत दे रही है, ऐसे आप देखिए। और उसके बाद एक और लास्ट में बोलूंगा कि अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हो रही है पर्टिकुलर नक्षत्र में, तो हो सकता है कि वो आपके जो जन्म कुंडली है हाँ। वो उस जन्म कुंडली में हो सकता है बहुत बहुत उसका प्रभाव ज्यादा है। जैसे किसी का मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में कोई लग्नेश बैठा है या चंद्रमा है या लगन उनका रोहिणी में, तो ऐसा मैंने देखा है 100% कि जब आपका गोचर में रोहिणी में जाएगा चंद्रमा तो आपका वो 27 में से वो दिन हमेशा ही बहुत प्रभाव कर ही जाएगा। अच्छा होगा बुरा होगा वो बात की बात है, दशा पे डिपेंड करेगा वो क्या जो वो बात की बात है, लेकिन आप अपने कुंडली के जो नक्षत्र जैसे सूर्य का नक्षत्र, चंद्र का, फिर लग्नेश जिस नक्षत्र में, ये 3 नक्षत्र मैंने देखा है ये बहुत प्रभावशाली नक्षत्र होता है। और इन नक्षत्र पे जब मून जिस दिन गोचर करता है तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए मैं कोई गलत काम ना करूं जी, क्योंकि ये इसमें अगर आप करेंगे ना, मान लीजिए आप जैसे आपका चंद्रमा किसी नक्षत्र में है और उस दिन आप कोई गलत काम करते गोचर में तो आपका वो जन्म नक्षत्र जो है वो भी खराब होगा। तो इसीलिए वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन मैं एटलीस्ट कोई गलत काम ना करूं उन नक्षत्र पे। खैर ऐसा तो नहीं है कि बाकी नक्षत्र में गलत काम करने चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि उन नक्षत्र पे जो हमारा जिस पे हमारा सूर्य बैठा है या चंद्र या लग्नेश बैठा है उनमें हम कोई भी गलत काम ना करें, हम ऐसा कोई काम ना करें जिसमें हमें ना बाद में पछतावा और शर्मिंदा हो, हम या तो आलस दिखाए या तो जो भी है आपका गुरु जिस नक्षत्र में है ना, जैसा मान लो किसी का गुरु श्रावण नक्षत्र में तो श्रावण का वो है कि वो वामन देव का नक्षत्र है ना, वानिष्ठ देवता है और वामन देव। तो अगर आप कोई भी गुरुकुल जाए जहाँ छोटे छोटे बच्चे दिखे आपको उनको दान दे दक्षिणा दे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें नक्षत्र को मतलब आप एक कुंडली में मत देखिए ऐसा लैपटॉप में है ये नक्षत्र है ऐसा होगा वैसा होगा, आप पूरा डिटेल में जाके देखिए अपने लाइफ में क्या हो रहा है। तो यही बोलना था मेरे को, नक्षत्र बहुत डिटेल में स्टडी किया जा सकता है और सबसे अच्छा तरीका है अपने आसपास देखिए, सब देखिए, अपने आप को देखिए, आसपास के लोगों को और जो नॉन लिविंग जो वस्तुएं हैं उनको भी देखिए, जैसे आपका मोबाइल लैपटॉप कभी कभार कैसे कैसे एड्स आते हैं आपके मोबाइल में ये भी देख सकते हैं। कोई वेबसाइट खोले कोई एड आया है तो वो नक्षत्र से रिलेटेड ही होगा 100%, ये मैं तो हमेशा ही देखा है। नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात जैसे बाबा जी ने कही, मैंने क्या देखा है बाबा जी इंडिया में पर्टिकुलरली लोग ना सिर्फ नक्षत्र को उसके लॉर्ड के आधार पे देखते हैं, कह रहे केतु का नक्षत्र अश्विनी बस, उन्हें फिर वो केतु के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा, उनके लिए मघा भी वही है और अश्विनी भी वही है और मूला भी वही है। तो मैं हर बार करेक्ट यही करवाता हूँ कि इन तीनों के ट्रेड टोटली डिफरेंट है,
पूरा एक देवगण में है, जैसे अभी आपने चवन ऋषि के बारे में कहा, अश्विनी जी के साथ उनकी कहानी जुड़ी है, मूला के साथ नैरिति राक्षस और अलग तरह के एनर्जीज है, तो आप यू कांट से कि ये दोनों केतु के तो एक जैसा रिजल्ट। हाँ, और मुझे आपकी बात से एक चीज़ अच्छी लगी, मैं चाहूँगा सभी दर्शकों को कि इस पैटर्न को फॉलो करें। क्या किया जा सकता है कि जो ट्रेट आपने देखे, जैसे इन्होंने बताया आपने उनको पेपर पे लिख लिया कि अच्छा अश्विनी के ये गुणधर्म है और आज मैं उसको चेक करूँगा, इसी बहाने आपको अश्विनी के गुणधर्म याद हो जाएंगे। एक तो लोग पूछते हैं कैसे याद करें सर, अश्विनी का क्या मतलब है, रोहिणी का क्या है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक बार बुक खोलें, इसके बारे में पढ़ें, इसके ट्रेट को देखें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जब आप आसपास की चीज़ों से सीखते हैं ना, तो आप कभी नहीं भूलते, जब आप किताब से सीखते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो आपकी बात से मैं पूरी तरह अग्री करूंगा और मुझे लगता है कि करना चाहिए। इसी चीज़ को कभी आगे और डिस्कस करेंगे चार्ट के माध्यम से, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।